हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन मैंगो अचार रेसिपी। जिस सबसे पहले मैंने मैंगो को धो लिया था, फिर कटर आम कटर उससे कटवा लिए थे, फिर टर्मेरिक पाउडर और नमक को मिक्स करके अच्छे से ड्राई करने को धूप में सुखाने रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें सारी चीज़ें मिक्स, ये पूरा एक दिन तक सुखाना था। फ्रेंड्स, ये अच्छे से सूख गए हैं। अब इसके लिए मैं मसाले तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है राई। सबसे पहले मैंने ये क्या बोलते हैं मस्टर्ड सीड्स ले लिए हैं, मतलब राई दाना लिया है। इन सभी को रोस्ट कर लिया है। सौंफ, जीरा, ये सारे मैंने लिख कर बता दिए हैं। और खड़ी लाल मिर्च की, उन सारी चीज़ों को रोस्ट करने के बाद ये देखिए, ये अलग से मैंने अजवाइन भी ली है। हींग लेना है, काली में कलौंजी वगैरह सारी चीज़ें ले लेना है। जितनी भी चीज़ें लगती हैं सारी हमें अचार में लेना है। उसको रोस्ट करके मैं इसे मिक्स पीस लेना, क्योंकि ये देसी तरीके से देसी स्टाइल से बनाए जा रहे हैं, इसलिए मैं हाथों से पीस रही हूँ। ये मेरी दीदी भी साथ दे रही हैं। और क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा हींग लिया था, तो इस हींग को भी हमने अच्छे बढ़िया तरीके से पीस लिया है। और बस जो हमने मस्टर्ड ऑयल लिया था उसको हमने पहले ही करके रख लिया था। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। टर्मेरिक पाउडर, ये सब सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेंगे। उसमें हमें कड़का हुआ राई का तेल मिक्स करना है। ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर हम क्या बोलते हैं कटे हुए आम, जो हमारे रॉ आम है, उसको मिक्स कर देंगे। और ऑयल थोड़ा कम था तो वो मैंने नेक्स्ट डे में मिला लिया था। लेकिन ये सारी चीज़ों को मिक्स कर दिए हैं। ये बढ़िया से हमारा आम तैयार है। ग्रीन मैंगो अचार की रेसिपी तैयार है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और हाँ, अब इसे फिर मैंने धूप में रख दिया था। बनी नहीं थी, निकल वाली बनी थी। बढ़िया मस्त टेस्ट था इसका। वही खाइए।